हाय गाइस, कैसे हो आप? सारे अच्छे से हो? तो एक और लेक्चर मैंने लाया है फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसा कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनक्रियास के बारे में। ये एंड पेनक्रियास इज वन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें एक एसेसरी ग्लैंड आता है, दैट इज पेनक्रियास। उसमें लिवर भी आता है, गाल ब्लेडर भी आता है, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में उनको हम पढ़ेंगे। तो आज टोटली एंड टोटली वी विल डील विद पेनक्रियास। तो चलिए चलते हैं पेनक्रियास की ओर। नाउ पेनक्रियास जो है, अब पेनक्रियास होता क्या है? मैंने पहले ही कहा पेनक्रियास एक एसेसरी ग्लैंड है। तो पेनक्रियास एक ग्लैंड है या एक ऑर्गन, आपको इट इज एन ऑर्गन। ये ऑर्गन है, ये एसेसरी ग्लैंड्स में आता है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड्स में भी आता है। तो ये ऑर्गन है, लेकिन ये जो ऑर्गन है ना पेनक्रियाज, ये ऑर्गन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, इट एक्ट एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इट एक्ट एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी। This exocrine, this pancreas is the second largest gland. Second largest gland. Second largest gland in our body है ये, ठीक है? अब ये जो pancreas है, देखो ये located कहाँ होता है? ये आपने देखा होगा stomach का, आपको पता ही है stomach। ये भाई आपका stomach हो गया। मैंने कल भी कहा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ड्यूडेनियम। तो ये सी शेप्ड होता है और इस सी शेप्ड कर्म है, इसको हम कनकैविटी कहते हैं, ठीक है? इसके इस कैविटी में एक ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज पैनक्रियास। तो यहां पर होता है स्टोमक के नीचे और इनसाइड द कनकैविटी ऑफ ड्यूडेनियम। नाउ दिस इज पेनक्रियास। और ये क्या होता है, ये जो डायफ्राम होती है, डायफ्राम के थोड़ा पीछे स्टोमक होता है, और ये स्टोमक के नीचे होता है, और इसका जो ये टेल पार्ट होता है, ये स्टोमक के पीछे होता है, ठीक है? ये स्टोमक के पीछे होता है दिस पार्ट। और ये पेनक्रियास क्या होता है, इट इज येलो कलर्ड, इट इज येलो कलर्ड। ये येलो कलर्ड होता है पेनक्रियास, लिटिल बिट येलो, अब ज्यादा येलो नहीं होता है, ये लिटिल बिट येलो कलर्ड होता है। ये तो प्रेजेंट कहां पर है, ये इट इज लोकेटेड इन द कनकैविटी ऑफ ड्यूडेनियम, लोकेटेड इन कनकैविटी। दिस मीन्स कैविटी, दैट इज सी शेप्ड कर्व। ये सी शेप्ड कर्व जो ड्यूडेनियम ने बनाई है, उसी सी शेप्ड कर्व में ये है, लोकेटेड इन द कनकैविटी, कनकैविटी ऑफ ड्यूडेनियम। तो ड्यूडेनियम की कनकैविटी में ये प्रेजेंट होता है। और देखो अब ये जो पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारी बॉडी का ही ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये पेनक्रियास से डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रियास से आते हैं, ठीक है? थीके? तो जो पेनक्रियास से ये जो सेक्रीशन निकलती है, जो डाइजेस्टिव सेक्रीशन निकलती है, उसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो पेनक्रियास से क्या निकलती है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है? इसे क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। लेकिन अब किस वाले पार्ट से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, ये बड़ी बात। मैंने पहले ही कहा पेनक्रियास के दो हिस्से हैं, वन इज नोन एज एक्सोक्राइन पार्ट एंड अनदर इज नोन एज एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियास का, इट रिलीजेस हार्मोन्स, ये हार्मोन सेक्रेटिंग पार्ट होता है, हार्मोन सेक्रेटिंग पार्ट। वो एंडोक्राइन जो होता है, एंडोक्राइन पार्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, ये पेनक्रियास का वो वाला हिस्सा होता है जहां से हार्मोन्स पेनक्रियास सेक्रेट करता है। तो पेनक्रियास में पार्ट है, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन पार्ट।
और वो एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स होती है वो क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो इसीलिए हम उस पार्ट को एंडोक्राइन पार्ट कह रहे हैं। वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट जो है, एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां से निकलते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट से। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां से निकलते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। दैट मीन जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होगा, पैनक्रियाटिक जूस कहां से सेक्रेट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। अब चलिए चलते हैं हम टुवर्ड्स दीज पार्ट्स। एक्सोक्राइन जो है हमें इसी से मतलब है, क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और दैट मीन्स हम एक्सोक्राइन पार्ट को ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट का अभी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल उसका भी बहुत है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा रोल है हार्मोन्स का जो पैनक्रियास से निकल, लेकिन अभी अभी मेनली हमें क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ना, अगर हम एनाटॉमी की बात करें कि अंदर अंदर पैनक्रियास के अंदर ये एक्सोक्राइन पार्ट ये कैसा हो, देखो तो ये मैं यहां पर एक पैनक्रियास बनाता हूं, जैसे हेड ऑफ पैनक्रियास बड़ा सा ही अब बना दूंगा मैं, अब देखो दिस इज पैनक्रियास, ठीक है, ये पैनक्रियास। अब पैनक्रियास अब देखो पैनक्रियास जो है ना, पैनक्रियास के अंदर जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये एक्सोक्राइन पार्ट बना होता है सेल्स का, किनका बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ सेल्स, और वो सेल्स को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट, दिस एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे आर जस्ट लाइक दिस एक्नीस, उनको हम क्या कहते हैं, एक्नी। ये ऐसे होती है जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, एक्नी एसिनियर सेल्स। तो इसमें जो एक्सोक्राइन पार्ट है, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट, और एक्सोक्राइन पार्ट में ऐसे होता है, दिस लार्ज नंबर ऑफ एक्नीज आर देयर, ये सारे एक्नीज के डक्ट जो है ये मिल जाते हैं एक ही जगह, तो ये एक्नीज है, एक्नीज से ये डक्ट निकल गए, और इन्हें देखो जो एक्नीज से डक्ट जो निकलता है, दिस इज एन एक्नी, ये जो ये है ना, दिस इज एक्नी, ये एसिनियर सेल्स का बना है, दिस इज मेड अप ऑफ एसिनियर सेल्स, बीच में ग्लोबुलर कैविटी होती है इनकी, ठीक है, ये ग्लोबुलर कैविटी है बीच में, और ये एसिनियर सेल्स है, इन्होंने एक्नी बना दिया, और यहां से एक डक्ट निकलेगा, दैट डक्ट इज नोन एज इंट्रालोब्यूलर डक्ट, इंट्रा लोब्यूलर डक्ट। तो ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट आपस में मिल जाते हैं, और फिर ये एक मेन डक्ट बनाते हैं, दैट डक्ट इज नोन एज विरसिंग डक्ट। तो मेन डक्ट बनता है, दैट डक्ट इज नोन एज वेर सिंग डॉक्ट। तो ये वेर सिंग डॉक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एन एक्नी एसिनी, ठीक है, ये एसिनी है, तो ये
एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियाज का, ये एसनीज का बना होता है, ठीक है। बाकी जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट फॉर एग्जांपल दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट, यहां पर एंडोक्राइन इसलेट्स ऑफ लैंगेनेंस जिनको हम बोलते हैं, ये गैलेंड की शक्ल में होता है ये, ठीक है। तो ऐसे है, तो यहां पर बहुत सारी सेल्स जो है अल्फा बीटा आ डेल्टा डी सेल्स बहुत सारी होती है। तो दिस इज एन एंडोक्राइन पार्ट, ये एंडोक्राइन पार्ट है, यहां से हार्मोन्स निकलते हैं, और ये है एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ये एसनीज का बना होता है, इसमें यही गुच्छे एसनीज होते हैं, उनसे डक्ट्स निकलते हैं इंटरलोबुलर डक्ट्स, वो फिर एक मेन डक्ट बनाते हैं दैट इज वेसिंग डक्ट्स। और ये एसनीज क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ जाएंगे, वेसिंग डक्ट में जाएंगे। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब वेसिंग डक्ट में जाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे, आगे देखो, आगे यहां से ऊपर, यहां से क्या आएगा, यहां ऊपर लिवर होता है स्टॉमक के ऊपर, दिस इज लिवर, लिवर के नीचे ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज गाल ब्लेडर, और यहां से एक कॉमन बाइल डक्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, जो गाल ब्लेडर और लिवर से जो डक्ट आता है दैट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिल जाएगा, इट विल ज्वाइन विद द वेसिंग डक्ट, ठीक है, ये वेसिंग डक्ट के साथ मिल जाएगा, एंड इट विल फॉर्म एम्पुल ऑफ वाटर। तो यहां पर एक डक्ट बन जाएगा, दिस इज नोन एज एम्पुला ऑफ वाटर। तो एम्पुल ऑफ वाटर जो है ये बन जाएगा, एम्पुल ऑफ वाटर कब बन जाता है, देखो ये जो एम्पुल ऑफ वाटर है ना, दिस इज नोन एज हिपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि एम्पुल ऑफ वाटर आगे स्वेलिंग हो जाती है, ये जो बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट और जो जो ये हिपैटिक डक्ट दैट मींस वेसिंग डक्ट, इसको हम लिवर को हम पैनक्रियास को हम क्या कहते हैं, इट इज पैनक्रियास के डक्ट, हम डक्ट को हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, या आप कह सकते हो वेसिंग डक्ट इज द डक्ट ऑफ पैनक्रियास, ठीक है, मेन डक्ट ऑफ पैनक्रियास। उसके बाद ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है दैट मींस वेसिंग डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलता है और एक और डक्ट बनाता है, दैट डक्ट इज नोन एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को बेसिकली हम एम्पुल ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है, इट इज बेसिकली नोन एज एम्पुल ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर ये स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग के साथ ही ये ओपन हो जाता है इनटू द ड्यूडेनियम। तो दिस इज नोन एज, ये ड्यूडेनियम हो गया हमारा, तो यहां पर ये एम्पुल ऑफ वाटर ओपन हो गया, ठीक है, दिस कॉमन बाइल डक्ट प्लस दिस वेसिंग डक्ट, ये जो कंबाइन हो गए इन्होंने एम्पल ऑफ वाटर डक्ट बना दिया, और ये एम्पल ऑफ वाटर कहां पर ओपन हो गया, इनटू द ड्यूडेनियम। और यहां पर एक लिड होती है, यहां पर एक ढक्कन जैसा होता है, दैट ढक्कन इज नोन एज स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। तो यहां पर एक लिड होती है, एम्पल ऑफ वाटर के आगे एक लिड होती है, इस डक्ट के आगे एक लिड होती है, दैट लिड इज नोन एज स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई, स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई। तो स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई क्या है, इट इज अ लिड, एक लिड होती है विच इज एट द ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है व्हेन द एम्पल ऑफ वाटर दैट मींस कॉमन बाइल डक्ट प्लस दिस पैनक्रियाटिक डक्ट, दे फॉर्म अ कॉमन डक्ट, ने कॉमन डक्ट बना दिया, दैट इज नोन एज एम्पल ऑफ वाटर। और ये एम्पल ऑफ वाटर कहां पर ओपन हो गया, ये ड्यूडेनियम है, तो ड्यूडेनियम जहां पर ये ओपन हो जाता है वहीं पर एक लिड होती है, दैट लिड इज नोन एज स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, लेड स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई। ये तो हो गया डक्ट, लेकिन सम पर्सन, किसी पर्सन में एक एसेसरी डक्ट भी हो सकता है, दैट मींस एक सेपरेट डक्ट हो सकता है पेनक्रियाज का, एंड दैट सेपरेट डक्ट इन सम पर्सन देयर इज अ सेपरेट डक्ट, देयर इज अ सेपरेट पेनक्रियाटिक डक्ट, एंड दैट सेपरेट पेनक्रियाटिक डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ सेंटोरिन, डक्ट ऑफ सेंटोरनी। तो डक्ट ऑफ सेंटोरनी क्या है, इट इज एन एसेसरी डक्ट इन सम पर्सन्स, देयर इज एन एसेसरी डक्ट ऑफ पैनक्रियास, तो दैट डक्ट इज नोन एज सेंटोरनी डक्ट। तो एक सेपरेट डक्ट होता है, तो पैनक्रियास से एक सेपरेट डक्ट भी निकलता है, दैट मींस एक सेकेंडरी डक्ट भी निकलता है, दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ सेंटोरनी, ठीक है। तो ये सम पर्सन्स में होता है डक्ट ऑफ सेंटोरनी, ठीक है, आपको यहां तक तो आया समझ, दिस मीन्स एनाटॉमी आपको समझ आएगी,
आप जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो बना होता है एसनीज का, एसनीज से डक्ट्स कहते हैं उनको हम इंटरलोब्यूलर डक्ट्स कहते हैं, वो फिर एक मेन डक्ट बनाते हैं दैट इज नोन एज वेसिंग डक्ट, आर जिसको आप पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हो। फिर पेनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ या वेसिंग डक्ट किसके साथ मिलता है, दिस कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलता है और ये एक डक्ट बनाता है दैट इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर के जो ही ये ओपन हो जाता है ना, कहाँ पर ड्यूडेनियम में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है वहां पर, दैट मीन्स वहां पर वाइडनिंग होती है, तो ये ओपन हो जाता है एम्पुला ऑफ वाटर कहाँ पर ड्यूडेनियम में ओपन हो जाता है, और जो ये ड्यूडेनियम में ओपन हो जाता है आगे एक लिड होती है दैट लिड इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को आई थिंक, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द नर्व सप्लाई। अब हम देखेंगे पैनक्रियाज में कौन कौन सी नर्व होती है। नर्व सप्लाई टू पैनक्रिया, टू पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में कौन कौन सी नर्व्स होती है। तो पैनक्रियाज में देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही इसको कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे कंट्रोल करता है, वाया सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स। तो पैरासिंपैथेटिक नर्व इसमें होती है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। सोमैटिक जिसको हमने कहा सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम फिर डिवाइड हो जाता है इनटू पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स आएंगी उनको हम पैरासिंपैथेटिक नर्व्स कहेंगे, और ये पैरासिंपैथेटिक नर्व्स ये इन द फॉर्म ऑफ वैगस नर्व होती है। जो वैगस नर्व है इट्स अ पैरासिंपैथेटिक नर्व। वैगस नर्व हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है चाहे यहां से माउथ से लेकर दैट मींस एनस तक, इस हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर एक सेपरेट नर्वस सिस्टम लगा होता है, दैट सेपरेट नर्वस सिस्टम इज नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, और उस एंटेरिक नर्वस सिस्टम में जो मेन नर्व होती है दैट इज वैगस नर्व। ठीक है, तो वैगस नर्व जो है इट्स अ पैरासिंपैथेटिक नर्व, तो पैरासिंपैथेटिक नर्व्स रन करती है पैनक्रियाज में वाया वैगस नर्व, दैट मींस वैगस नर्व ही एंटर करती है किसमें, पैनक्रियाज में। तो दिस इज बेसिकली पैरासिंपैथेटिक नर्व। और दूसरी एक नर्व होती है इसमें दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्व्स भी आती है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्व्स आती है, और वो कौन सी होती है, स्प्लैंचिक, स्प्लैंचिनिक, स्प्लैंचिनिक नर्व्स। तो स्प्लैंचिनिक नर्व्स किसमें होती है, वो पैनक्रियाज में रन करती है, लेकिन स्प्लैंचिक नर्व्स बेसिकली क्या होती है, दे आर बेसिकली सिंपैथेटिक नर्व्स। तो ये बेसिकली सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, और वैगस नर्व बेसिकली क्या होती है, दैट इज अ पैरासिंपैथेटिक नर्व। तो पैरासिंपैथेटिक नर्व कौन है पैनक्रियाज में, दैट इज वैगस नर्व, और सिंपैथेटिक नर्व कौन है पैनक्रियाज में, दैट इज स्प्लैंचिनिक नर्व। ठीक है, तो ये होगी नर्व सप्लाई, नर्व जो सप्लाई है पैनक्रियाज में वो कंप्लीट है। आपको यही याद रखना है कि पैरासिंपैथेटिक नर्व कौन सी है, वैगस नर्व जाती है किसमें, पैनक्रियाज में, और सिंपैथेटिक नर्व कौन सी जाती है पैनक्रियाज में, दैट इज स्प्लैंचिनिक नर्व। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन जो किसकी है, पैनक्रियाटिक जूस की। तो पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कहां से निकलता है, फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। अब देखो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज से क्या निकलता है, फ्रॉम यहां पर लिखूंगा मैं फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन देखो एक्सोक्राइन दैट मींस ये एक्सोक्राइन पार्ट वो वाला पार्ट होता है जहां से जो एंजाइम्स है वो निकलते हैं, लेकिन वो निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डक्ट्स, वो निकलते हैं वाया डक्ट्स। तो ग्लैंड्स के दो किस्म होते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो अगर मैं पैनक्रियास की बात करूं, पैनक्रियास क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन सेक्रीशंस भी करता है, ये सेक्रीशंस एक्सोक्राइन तरीके से भी करता है, और सेक्रीशंस एंडोक्राइन तरीके से भी करता है। एंडोक्राइन देखो पहले आप समझो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो वाला ग्लैंड होता है जो अपनी सेक्रीशंस डालता है लेकिन विदाउट डक्ट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, हम इनको डक्टलेस कहते हैं, इनमें कोई डक्ट वक्त नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड। तो ये डायरेक्टली अपनी सेक्रीशन ब्लड में डालते हैं। ठीक है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हो गया है जिसमें डक्ट प्रेजेंस ऑफ डक्ट डक्टेड ग्लैंड्स। तो ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, ये अपनी सेक्रीशन इन द ब्लड में डालते हैं लेकिन वाया डक्ट्स, ठीक है, ये थ्रू द डक्ट्स। तो इनसे फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहां से डक्ट निकलेगा, यहां पर ब्लड वेसल है, तो यहां से जो भी सेक्रीशन आएगी वो कहां से जाएगी, पहले डक्ट से जाएगी उसके बाद ब्लड सप्लाई में, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसको इसीलिए हम कहते हैं पैनक्रियाज इज अ हिटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियाज क्या है, एक हिटेरोक्राइन ग्लैंड, तो ये आप याद रखोगे पैनक्रियाज क्या है, हिटेरोक्राइन ग्लैंड। हिटेरोक्राइन ग्लैंड मींस इट हैज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, तो इसमें दोनों चीजें हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। तो जिस ग्लैंड में दोनों चीजें होती है दैट इज हिटेरोक्राइन ग्लैंड। तो जो पैनक्रियाटिक जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस कहां से आता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस में कंपोजिशन क्या है, तो अगर हम देख लें कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो देखो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या कंपोजिशन होती है, इसमें क्या क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, देखो ये दो चीजों का बना होता है, एक होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक दैट मींस 99.5% ऑफ वाटर है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती है और एंजाइम्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और 0.5 क्या है, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो पहले मैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का ही बोलता हूं, इसमें क्या क्या होता है, दैट मींस आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम होता है इसमें, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें फ्लोराइड्स होते हैं, इसमें क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, इसमें जिंक होता है, इसमें फॉस्फेट्स होते हैं, इसमें सल्फेट्स होते हैं, तो दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। तो ये होगी इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस भी है, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ सम अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस और भी कुछ ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। अब एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसमें, इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो व्हाट आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करें उनको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर नोन एज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन सा होता है इसमें, तो पहला ये ट्रिप्सिनोजेन, इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, एक है काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, ये मेन दो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं इसमें, प्रो इलास्टेज होता है इसमें, और प्रो कॉलेजिनेज। तो दीज आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। लेकिन ये जो सारे एंजाइम्स होते हैं ना, जो पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से जो एंजाइम निकलते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं जाइमोजेन्स। क्या होते हैं, जाइमोजेन्स, क्योंकि देखो ये एक्ने है, दिस इज एसएनए, ये एक्सोक्राइन पार्ट में क्या है, एसएनए है। अगर SNI में ये एक्टिव फॉर्म में होते एंजाइम्स, तो दैट विल लेट टू द, वो खुद ही, वो एंजाइम्स अगर एक्टिव स्टेट में होते, वो खुद ही नुकसान पहुंचाते किसको, पैनक्रियाज को, सेल्फ डैमेज ऑफ पैनक्रियाज हो जाता है। लेकिन इसीलिए ये उसमें नहीं होते हैं, तो ये किस में होते हैं, क्योंकि वहां पर देखो ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, कौन, ये एंजाइम्स जो होते हैं, जो एक्नीज के SNI से जो एंजाइम निकलते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म को हम, जो एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज जाइमोजेन। तो व्हाट आर जाइमोजेन्स, इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ये,
एसएनआई रिलीज क्या करती है, इनएक्टिव एंजाइम्स। अब एसएनआई में ही इनएक्टिव एंजाइम्स क्यों होते हैं, क्योंकि देखो अगर ये एक्टिव फॉर्म में वहां होंगे तो ये एसएनआई सेल्स को क्या करेंगे, किल करेंगे, डिस्ट्रॉय को करेंगे। तो इसलिए वहां पर एक होता है दिस इनहिबिटर होता है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर होता है वहां पर, एक एंजाइम इनहिबिटर होता है वहां पर जो इनको क्या करता है, जो इनको इनएक्टिव स्टेट में रखता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो जाइमोजिन्स होते हैं ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो क्यों होते हैं, मैंने कहा पहले ही कहा कि ये वरना ये किल करेंगे किसको, वरना ये नुकसान पहुंचाएंगे पैनक्रियास को। तो ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन को इनएक्टिव स्टेट में कौन रखता है वहां पर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो एक इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर्स होते हैं जो इनको इनएक्टिव स्टेट में रखते हैं इनसाइड द पैनक्रियास, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द इनहिबिटर इज ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजिन में रखता है, ये ट्रिप्सिन को एक्टिव फॉर्म में नहीं रखता है, ट्रिप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म में कौन रखता है इसको, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो ये तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स थे, किसमें, दीज आर द एग्जांपल, दीज आर सम ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच आर सेक्रेटेड, व्हिच आर इन द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को हटाकर अब मैं यहां पर लिखूंगा लिपोलाइटिक एंजाइम्स। लिपोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, लिपोलाइटिक एंजाइम्स, देखो लिपोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, द लिपोलाइटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स व्हिच जो क्या करते हैं, व्हिच एक्ट ऑन द लिपिड्स, ठीक है, जो लिपिड्स पर एक्ट करते हैं। तो कौन कौन सा होता है, तो पहला वाला पैनक्रियाटिक लाइपेस ही मैं बोलूंगा, पैनक्रियाटिक तो पहला एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेस, ये ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, दैट मींस इट एक्ट्स ऑन द फैट्स, ये फैट्स पर एक्ट करता है। दूसरा होता है एस्टरेज, दूसरा होता है दैट इज यहां कॉलपेस, कॉलपेस ये कोएंजाइम है, और तीसरा होता है दैट इज फॉस्फोलाइपेस ए, फॉस्फोलाइपेस ए एंड फॉस्फोलाइपेस बी, ठीक है, और कोलेस्टरेज, ठीक है, कोलेस्टरेज भी एक एंजाइम होता है, और कोलेस्टरेज एक एंजाइम होता है, कोलेस्ट्रोल एस्टरेज, और इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल साल्ट्स, ठीक है, bile salts present होता है। तो ये क्या हो गए, these are lipolytic enzymes जो lipids का breakdown करते हैं, they will help in breakdown of lipids, ये भी pancreatic juice में present होते हैं। अब देखो एक और enzyme होते हैं, that is amylolytic enzymes। जरा amylolytic enzymes कौन होते हैं, carbohydrate digesting amylolytic enzymes। तो amylolytic enzymes होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर नोन एज एमोलाइटिक एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च को डाइजेस्ट करे इनको हम एमोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसमें इसमें प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गए एमोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये कुछ एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए जी अब हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ तो पहला वाला एंजाइम हम लेंगे, दैट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजिन क्या है, इट्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। देखो मेन मेन एंजाइम मैं यहां पर ले रहा हूं, दीज आर द मेन एंजाइम्स,
ट्रिप्सिनोजन क्या है? ट्रिप्सिनोजन इट्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन इट्स अ जाइमोजन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 25,000 इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट। और ये होता है सिंगल पेप्टाइड, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पेप्टाइड, मेड अप ऑफ ए सिंगल पेप्टाइड, इट इज अ सिंगल पेप्टाइड। ये ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव कौन करता कराता है? ट्रिप्सिनोजिन जो है इसको एक्टिव एक एंजाइम कराता है जो इंटेस्टाइनल जूस से आता था, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता था, दैट नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम वाज कॉल्ड एज एंटीरियो पेप्टाइडेस और एंटीरियो काइनेस। तो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? एंटीरियोकाइनेस, एंटरोकाइनेस, और जिसको एंटरोपेप्टाइडेज भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब ये एक्टिव फॉर्म हो गई, अब जो ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन फिर बहुत सारे एंजाइम्स को, जो मैंने अभी कहा था कि प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को पेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन फिर बाकी सारे एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। तो दैट मींस ट्रिप्सिन कौन सी एक्टिविटी शो करता है? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। एक तो ये बाकी सारे एंजाइम्स को जो जाइमोजेनिक फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, एक तो ये उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और उसके बाद जो ये खुद बनता है, तो उसके बाद ये खुद की भी एक्टिवेशन खुद ही करता है। तो खाली इसको पहले चाहिए कि ट्रिप्सिनोजिन जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, कौन कराता है इसको? एंटीरियोकाइनेस। एंटीरियोकाइनेस कहां से आता है? इट इज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और जो ये ट्रिप्सिन बन जाता है, उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है? सेल्फ एक्टिवेशन। उसके बाद ये खुद के ट्रिप्सिनोजन को खुद में ही ट्रिप्सिन बनाता है। तो सेल्फ एक्टिवेशन ये कराता है उसके बाद, जिसको हम ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो सेल्फ एक्टिवेशन उसके बाद ये हो जाती है, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कौन शो करता है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या होता है? पहले ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन कौन कन्वर्ट करता है? एंटीरियोकाइनेस। उसके बाद जब ट्रिप्सिन बन गया, एक्टिव फॉर्म आ गई ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, तो ट्रिप्सिन उसके बाद खुद के ट्रिप्सिनोजिन को, जो भी अब ट्रिप्सिनोजिन निकलेगा, उस ट्रिप्सिनोजिन को वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस एक्टिविटी को हम ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें सेल्फ एक्टिवेशन एक्टिवेशन करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन खुद के ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, या बाकी, और उसके बाद ये बाकी सारे प्रो एंजाइम्स को, बाकी सारे जो जाइमोजेनिक एंजाइम्स हैं, उनको कन्वर्ट किसमें करता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम पढ़ने जाएंगे, अब ये तो थोड़ा बहुत हो गया कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ये शो करता है। अब ट्रिप्सिन करता क्या है? व्हाट ट्रिप्सिन डज, ट्रिप्सिन की एक्टिविटी क्या है? तो ट्रिप्सिन एक्चुअली करता क्या है? ट्रिप्सिन, अगर मैं फंक्शन कहूं इसकी, ट्रिप्सिन की, तो ये प्रोटीन्स को, इट विल कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, और फिर इसको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, एक फंक्शन हो गई इसकी। दूसरी फंक्शन क्या है इसकी? इट विल कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन, कैसिनोजन, ये कैसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू कैसिन। दैट मींस कैसिनोजिन क्या है? इट्स अ मिल्क प्रोटीन। ये कैसिनोजिन को कन्वर्ट किसमें करता है? इनटू कैसिन, ठीक है। तो दैट मींस कर्डलिंग ऑफ मिल्क में भी ये मदद करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ
मेलिक, इट आल्सो हेल्प अस इन क्लॉटिंग अप मेलिक, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है, इट आल्सो हेल्प अस इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को एक्सेलरेट करता है ये, एक्सेलरेशन एक्सेलरेट, तो ब्लड क्लॉटिंग करने में ये मदद करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एक्सेलरेट ये करता है, और इट आल्सो शोज ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, जो मैंने अभी कहा ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, इट आल्सो शोज ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, और इट एक्टिवेट्स अदर, इट विल एक्टिवेट प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, एक्टिवेट्स प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो कन्वर्ट ये करता है, कन्वर्ट्स प्रो इलास्टेज, मैं सब का लिखूंगा, मैं प्रो इलास्टेज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रो कोलेजिनेज इनको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल इलास्टेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड कोलेजिनेज, तो इन बाकी सारे एंजाइम्स को ये क्या कर देता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कौन, ट्रिप्सिन, ठीक है, तो आई थिंक ट्रिप्सिनोजन आपको क्लियर हो चुका है कि ट्रिप्सिनोजन की फंक्शन क्या है, ठीक है, और इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन ये लाइपेसिस की भी एक्टिवेशन कराता है, दैट मीन्स एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेस ए, प्रो फॉस्फोलाइपेस ए को फॉस्फोलाइपेस ए में कन्वर्ट कराना, ये कराता है, तो ये तो एंड हो गया ट्रिप्सिन, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है, एक तो है ट्रिप्सिनोजन और दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, अब देखो काइमोट्रिप्सिनोजन, अभी टाइम कितना हो गया है, 37 मिनट्स हो जाएगा, फिनिश, ये सर आ रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन, तो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है इट इज अनदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम, ये भी क्या है, proteolytic enzyme, protein को digest करने वाला enzyme, proteolytic enzyme है ये, इसका molecular weight होता है 25,700, ठीक है, molecular weight है इसका, और chymotrypsinogen करता क्या है, chymotrypsinogen देखो, काइमोट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है ये बेसिकली कर्डलिंग ऑफ मेलिक करता है, कर्डलिंग ऑफ मेलिक, ये मेलिक को कर्डलिंग करता है, व्हाइल एज ट्रिप्सिन भी कन्वर्ट करता था, ट्रिप्सिन भी क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मेलिक करता है, लेकिन कर्डलिंग ऑफ मेलिक फास्टर होती है, फास्टर देन ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन से फास्टर कौन कर्डलिंग ऑफ मेलिक करता है, काइमोट्रिप्सिन, दैट मींस इट विल कन्वर्ट द कैसिनोजेन इनटू कैसिन, कैसिनोजेन इनटू कैसिन, ठीक है, ये कराता है मिल्क प्रोटीन कैसिनोजेन इनटू कैसिन, देन पैराकैसिनेट उसके बाद, अब ये तो काइमोट्रिप्सिनोजेन की फंक्शन, दैट मींस ये भी क्या कराता है, ये प्रोटीन्स के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कराता है, मेनली मिल्क प्रोटीन्स का ही ब्रेक डाउन कराता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, अब इसके बाद कोलेजिनेज Another enzyme was collagenase. तो ये पहले procollagenase होता है. Procollagenase को collagenase कौन बनाता है? इसको बनाता है trypsin. तो collagenase करता क्या है? Collagenase भी collagen protein को convert करता है. It acts, it breaks, it acts on कोलेजन प्रोटीन, और इनको ये कन्वर्ट किसमें करता है, इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है,
हो गया ये, उसके बाद है इलास्टेज, ठीक है, इलास्टेज, इलास्टेज, इलास्टेज करता क्या है, ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये पहले क्या होता है प्रोइलास्टेज, ये कन्वर्ट होता है इनटू इलास्टेज में, कौन करता है ट्रिप्सिन इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है, और इलास्टेज करता क्या है इट एक्ट्स ऑन इलास्टिन फाइबर्स और उनको कन्वर्ट किसमें करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, ये भी प्रोटीन्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं इलास्टिन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स उन पर ये एक्ट करता है और उनको ये कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स क्या है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसको कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कौन करता है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ये भी कौन कराता है ट्रिप्सिन, और फिर जो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स होता है ये दो किस्म का होता है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स ए एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड्स बी, अब ए क्या कराता है ये प्रोटीन्स पर ही एक्ट करता है, ये प्रोटीन्स के टर्मिनल जो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कराता है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ब्रेक्स द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ब्रेक्स टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को ही ब्रेक करता है, और उसी प्रोटीन के टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स ही ब्रेक करेगा that protein should have जो उसकी साइड चेन होनी चाहिए that is aliphatic side chain, aliphatic side chain वाले proteins या aromatic और aromatic, aromatic मैंने आपको biomolecules में पढ़ा है aromatic and aliphatic amino acids के बारे में, तो जिनमें aliphatic और aliphatic या aromatic side chains होती है जिन proteins में उनको ये break करेगा कौन carboxypeptides A, तो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स बी क्या करता है ये सिंपली कन्वर्ट करता है ये भी कन्वर्ट करेगा इनको किसमें अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स इट विल कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद है ये तो प्रोटीएसेस थे, अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द लाइपेसेस, लिपोलाइटिक एंजाइम्स, लिपोलाइटिक एंजाइम्स में पहली एग्जांपल में पैनक्रियाटिक लाइपेस के लिए सेवन आई थिंक सिक्स टू सेवन पीएच होना चाहिए जहां पर ये फंक्शन होता है, ठीक है, सेवन ऑलमोस्ट सेवन पीएच होना चाहिए इसका पैनक्रियाटिक या पैनक्रियाटिक लाइपेस का, सेवन टू नाइन एल्कलाइन होना चाहिए पैनक्रियाटिक लाइपेस, क्या कहता है इट विल कन्वर्ट द ट्राइग्लाइसराइड्स इनटू मोनोग्लाइसराइड्स ग्लाइसराइड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, तो ये पैनक्रियाटिक लाइपेस की फंक्शन है, पैनक्रियाटिक लाइपेस क्या करता है इट विल कन्वर्ट द ट्राइग्लाइसराइड्स इनटू मोनोग्लाइसराइड्स एंड देन फैटी एसिड्स। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेस ट्राइग्लाइसराइड्स को मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट करता है देन फैटी एसिड्स,
और यहाँ पर होते हैं लाइपोमैटिक एंजाइम से बाइल साल्ट्स भी होते हैं। बाइल साल्ट्स का काम क्या है? देखो बाइल साल्ट्स का काम होता है एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से करते हैं। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कन्वर्शन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, तो ब्रेक के या कन्वर्टिंग बिग फैट ड्रॉपलेट्स, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, लार्ज बिग फैट इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेमी इमिसिबल लिक्विड बनाते हैं, ठीक है? दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल साल्ट्स ये काम करते हैं, ठीक है? सोडियम ग्लाइकोचॉलेट है, सोडियम टॉरोचॉलेट है, दीज आर द बाइल साल्ट्स, सोडियम टॉरोचॉलेट। एंड सोडियम ग्लाइकोचॉलेट, दीज आर द बाइल साल्ट्स विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होती है उसके बाद ये पैनक्रियाटिक लाइपेसिस ऑन इमल्सिफाइड फैट्स को इजीली ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो दैट मींस फैट फैट ब्रेक डाउन के लिए इमल्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। दैट मींस पहले बिग फैट्स को इंटू स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है, तब जाके पैनक्रियाटिक लाइपेसिस उन पर एक्ट करेगा, ठीक है? तो दैट इज व्हाई बाइल साल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। और बाइल साल्ट्स ज्यादा से ज्यादा कहां से आते हैं? बाइल, लिवर, ठीक है? अब इसके बाद है देखो कॉलिपेस। कॉलिपेस एक को एंजाइम है, ठीक है? ये मदद किसको करता है? ये मदद पैनक्रियाटिक लाइपेस को ही करता है। कॉलिपेस ये को एंजाइम है, इट्स अ को एंजाइम। ये किसको मदद करता है? हेल्प्स पैनक्रियाटिक लाइपेस, ये पैनक्रियाटिक लाइपेस को ही मदद करता है। और देखो इससे क्या होता है, कॉलिपेज बेसिकली डाइट्री फाइबर्स जो होते हैं, डाइट्री लिपिड्स, डाइट्री लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। इट हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ डाइट्री लिपिड फाइबर्स। जो डाइट्री लिपिड फाइबर्स होते हैं, डाइट्री लिपिड फाइबर्स को डाइजेशन ये करता है, ठीक है? या डाइट्री लिपिड्स, तो डाइट्री लिपिड्स की डाइजेशन कौन कराता है? डाइट्री लिपिड्स की डाइजेशन कॉलिपेज करा। तो अगर देखो अगर पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये तो कॉलिपेज है, कॉलिपेज क्या कराता है? डाइट्री लिपिड्स की डाइजेशन। तो यहां पर मैं लिखूंगा डाइजेशन ऑफ डाइट्री लिपिड्स, तो डाइट्री लिपिड्स की ये डाइजेशन कराता है। अगर हमारी बॉडी में पैनक्रियाटिक लाइपेज की कमी हो जाए या कॉलिपेज की कमी हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल में से क्या निकल जाएगा, वो दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स। जो स्टूल, जो फीकल मैटर है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स निकल जाएंगे, एंड दैट डिसऑर्डर इज नोन एज स्टीरो स्टीटोरेहा। इसमें होता है फ्रॉथी, फ्रॉथी एंड येलो कलर्ड फेस, फीकल मैटर विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट। तो स्टीरो रिया, जो ये स्टीटो रिया है, ये कैसे होता है? स्टीटो रिया हो जाता है डिफिशियंसी ऑफ कॉलिपेस, एंड ये कॉलिपेस एंड लाइपेस इनकी डिफिशियंसी से होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ कॉलिपेस एंड लाइपेस से एक डिसऑर्डर होता है, दैट डिसऑर्डर इज नोन एज स्टीटो रेहा। स्पेल किसी को नहीं है, अगर नजर नहीं आ रही है तो इट इज स्टीटो रेहा, स्टीटो रेहा, ठीक है? तो इसमें फ्रॉथी, फ्रॉथी एंड दैट स्टूल विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है? यहां तक 49 मिनट्स हो गए। अच्छा, तो
तो बस अब हम खत्म करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट हमने खत्म कर ही लिया है, अब थोड़ा सा इसमें रह गया है। उनको भी हम जल्दी से खत्म करेंगे। तो नाउ वी विल मूव अ लिटिल बिट फास्टर, फास्फोलाइपेज, फास्फोलाइपेज ए। देखो फास्फोलाइपेज ए क्या करता है, फास्फोलाइपेज भी एक लिपोलाइटिक एंजाइम है। फास्फोलाइपेज ए ये किन पर एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द फास्फोलिपिड्स, इट विल एक्ट ऑन ये फॉस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट किस पे करता है, इट विल कन्वर्ट द फॉस्फोलिपिड्स इनटू किस पे इनको कन्वर्ट करेगा, इनटू लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, इनटू लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, इट विल कन्वर्ट द फॉस्फोलिपिड्स इनटू लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलाइपेज ए किस किस फॉस्फोलिपिड पर एक्ट करता है, वन इज नोन एज लैक्टिनिन। लैक्टिनिन का नाम आपने सुना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बोला है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लैक्टिनिन, फॉस्फोटाइडिलकोलाइन जिसको हम बोलते हैं, लैक्टिनिन और सेफेलिन। लैक्टिनिन और सेफेलिन को ये कन्वर्ट करता है इनटू लाइसो लैक्टिनिन और लाइसो सिफेल, ठीक है। उसके बाद फास्फोलाइपेज बी, फास्फोलाइपेज बी क्या करता है, लाइसो फास्फोलिपिड्स, फास्फोलाइपेज बी इट विल कन्वर्ट द लाइसो फास्फोलिपिड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स में कौन कन्वर्ट इनको करेगा, phospholipase B, phospholipase B will convert the lysophospholipids into three fatty acids or plus phosphorylcholine। तो यहाँ पर एक और चीज निकलती है phosphorylcholine, phosphorylcholine। तो आप simply fatty acids, three fatty acids याद रखना। तो ये हो गया phospholipases, phospholipases का ये तो हो गया खत्म, इनकी action activity क्या है। ना उसके बाद कोलेस्टेरेज, वो कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, वो तो इजी है। ये कोलेस्टेरेज के बाइल साल्ट्स मैंने आई थिंक ये तो एंजाइम्स हो गए। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज आपको पता ही है, जहां पर भी एमाइलेज होता है दैट विल एक्ट ऑन स्टार, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये एक एमोलाइटिक एंजाइम है, एमोलाइटिक एंजाइम है ये, इट विल डाइजेस्ट स्टार्च, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को ये कन्वर्ट करेगा इनटू, इसमें ये कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस माल्टोज, ठीक है। ये हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज की फंक्शन होगी। अब देखो अब ये तो खत्म हो गई हमारे एंजाइम्स का जो है, ये तो हमने देखा। इसमें देखो इस पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियसेस भी होते हैं, देयर आर न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस डीएनएस होते हैं, ठीक है, जो मानो न्यूक्लियोटाइड्स में इनको कन्वर्ट करते हैं, इसमें न्यूक्लियसेस भी होते हैं, मैं भूल गया था, देयर आर न्यूक्लियसेस डीएनएस आरएनएस and they will convert, DNAs will convert DNA into mononucleotides, इसी तरह RNAs RNA को convert करेगा into mononucleotides, यहाँ पर है mononucleotides, यहां पर आएगा deoxyribonucleotides, ये इनका काम है। फिर मैंने कल बोला था आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आते हैं वो उनको कन्वर्ट करते हैं।
these are the nucleases which are present inside the pancreatic juice. Now pancreatic juice ka jo pH hota hai, highly alkaline hota hai, it is something 8.8 pH hota hai pancreatic juice ka, aur lagbhag 800 ml per day nikalta hai pancreatic juice. 800 ml is pancreatic juice jo hota hai, daily secretion kitni hai 800 ml. ठीक है, अब चलिए आगे जाते हैं. अब देखो जो पैनक्रियाटिक जूस की जो सेक्रीशन है वो तीन फेजेस में होती है. सेक्रीशन ठीक है ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस की सेक्रीशन कैसे होती है? हाउ पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियास. देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, खाली मैं मैकेनिज्म यहां पर बोल रहा हूं. एक तो होता है ये सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस होती है बाय टू रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है, एक को हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स और दूसरा हम कहते हैं अनकंडीशनल. देखो अनकंडीशनल होता है बाय बर्थ, इट इज नेचुरल. Naturally, जब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा फ्रॉम द कहां से, पैनक्रियास. अनकंडीशनल रिफ्लेक्स ये बाय बर्थ होता है, नेचुरल होता है. इसमें क्या होता है, व्हेन फूड रीचेस इनसाइड द माउथ. जब फूड कहां आता है, फूड इनसाइड माउथ, तो उससे क्या हो जाता है, जब फूड इनसाइड द माउथ होता है. अब खाली मैकेनिज्म पर ध्यान रखें, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में बोल रहा हूँ. दिस इज द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा. इट्स अ नेचुरल रिफ्लेक्स, ये खुद ब खुद होता है. तो जो ही फूड हमारे माउथ में आ गया, फूड इनसाइड द माउथ, और उससे क्या होता है, टेस्ट बड्स, वो टेस्ट बड्स के साथ इन कॉन्टेक्ट आता है. टेस्ट बड्स में नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट होती है, सेंसरी नर्व्स. और सेंसरी नर्व्स क्या करती है, ये इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी towards the appetite center. ठीक है, और जो prescribed centers होते हैं, ठीक है, वहां पर इसको ले लेगी. That means towards the brain इसको ले लेगी, या vagus, जो vagus nucleus है वहां पर इसको ले लेगी. ठीक है, vagus nucleus, basically मैं यहां पर लिखूंगा ये vagus, क्योंकि anterior nervous system है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर लगा होता है, वैगस न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस होता है जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है वो क्या हो गए, वो क्लस्टर हो गए. तो दैट इज वैगस न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस बनाते हैं. तो वैगस न्यूक्लियस जो है, जो वैगस न्यूक्लियस तक वैगस नर्व एक्टिवेट होगी, वैगस न्यूक्लियस से अब क्या हो जाएगा, वहां से अब सिग्नल जाएंगे. ठीक है, तो सिग्नल जाएंगी तो जिससे पैनक्रियाटिक सेक्रेशन हो जाएगी, पैनक्रियाटिक जूस. तो पैनक्रियास तक जो वैगस नर्व, पैनक्रियास तक पैरासिम्पैथेटिक नर्व जाती है, तो वो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कराती है. ठीक है, तो दैट मींस अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो है, इट इज टोटली एंड टोटली नर्वस, ओनली नर्वस, इट इज नर्वस. ये नर्वस रिफ्लेक्स होता है, तो ये बाय ये नेचुरल होता है, दिस इज नेचुरल. अब देखो कंडीशनल क्या है. नाउ कंडीशनल, आपने कभी फूड देखा अपॉन साइट, अपॉन सीइंग, अपॉन स्मेल, तो आपके ड्यूडेनियम में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो जाएगा. तो दैट इज कंडीशन. अनकंडीशनल, आई थिंक आपको अनकंडीशनल वाला रिफ्लेक्स आ गया समझ. नाउ व्हाट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स. अब कंडीशनल रिफ्लेक्स में होता है पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू साइट, स्मेल. ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स ये होता है, इट इज हार्मोनल, ये हार्मोनल बेस्ड होता है, हार्मोनल बेस्ड. तो नर्व एज वेल एज हार्मोनल बेस्ड ही होता है, नर्व एज वेल एज हार्मोनल बेस्ड. तो इसमें क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, लेकिन ऑन सीइंग फूड. और एग्जांपल मैं कहूंगा ऑन सीइंग फूड, तो ऑन सीइंग फूड क्या हो जाएगा, ऑन सीइंग फूड मेरे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो रिलीज हो जाएगा,
गैस्ट्रिन विल गेट रिलीज, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिन रिलीज हो जाएगा। गैस्ट्रिन आपको पता है फ्रॉम द जी सेल्स ऑफ द स्टोमक गैस्ट्रिन रिलीज हो जाता है, गैस्ट्रिन रिलीज हो जाएगा। जब गैस्ट्रिन रिलीज हो जाएगा तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिन काम करता है, इट विल आल्सो इंक्रीज द, गैस्ट्रिन क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक और एंजाइम निकलेगा, दैट इज कॉल सिस्टोकाइनिन, एक तो वो भी क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन स्टिमुलेट करेगा। तो दैट मींस ये हार्मोनल बेस्ड होता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, हार्मोनल बेस्ड ऑन सीइंग द फूड। तो जब फूड हमने सी किया उससे क्या हो गया, उससे हमारे अंदर जो है नर्वस सिस्टम तो स्टिमुलेट हो ही गया, लेकिन नर्वस सिस्टम ने क्या किया, उसने एंटी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, उसने हार्मोन्स को सेक्रेट किया, हार्मोन जो पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट कर दिया, दिस इज कंडीशनल रिफ्लेक्स। नाउ तीन फेजेस होते हैं सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तीन फेजेस में निकलता है। एक तो निकलता है सेफेलिक फेज, सेफेलिक फेज जैसे कि स्टोमक में जो जूस निकलता, स्टोमक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वैसे ये भी थ्री फेजेस में निकलता है, सेफेलिक फेज। दूसरा होता है इंटेस्टाइनल फेज, ये दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल फेज। देखो सेफेलिक फेज, तो सेफेलिक फेज क्या है, सेफेलिक फेज बेसिकली नर्वस फेज ही है। सेफेलिक फेज में एक्चुअली देखो क्या होता है, सेफेलिक फेज में ये नर्वस फेज है, इसमें इसमें दो ही रिफ्लेक्स होते हैं। देखो मैंने जो अभी आपको रिफ्लेक्स एक्शंस बताई थी ना, वो सेफेलिक फेज ही, जो कंडीशनल और अनकंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल और अनकंडीशनल, कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहां पर होते हैं, सेफेलिक फेज में। ये मैंने आपको, दैट मींस मैंने आपको सेफेलिक फेज पढ़ा दिया है। सेफेलिक फेज में पैनक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन कैसे होती है, वो होती है कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स ऑकर होता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस की वजह से, ये मैंने आपको बोला है अभी। तो उसके बाद गैस्ट्रिक फेज होता है, जब ये माउथ, जब स्वेलो, हमने खाने को स्वेलो कर लिया, तो वो बोलस जो है वो कहां पर पहुंच गया, स्वेलिंग के साथ जो हम वो मास्टिकेटेड फूड है उसको हम बोलस कहते हैं। तो जब हमने स्वेलो किया वो स्टोमक में आ गया, तो स्टोमक में वो काइमिक फूड बन जाता है, ठीक है। अब जब ये काइमिक फूड है स्टोमक में, देखो गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, गैस्ट्रिक फेज में अब देखो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक फेज में जो ही ये फूड स्टोमक में आएगा, फूड इन स्टोमक, तो फूड इन स्टोमक, वहां जी सेल से क्या हो जाएगा, जी सेल्स रिलीज गैस्ट्रिन, एंड गैस्ट्रिन विल इंक्रीज द पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन, ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद है इंटेस्टाइनल फेज, इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, इंटेस्टाइनल फेज देखो सिंपली है, इंटेस्टाइनल फेज जब ये इंटेस्टाइनल फेज जो है, जब ये काइमिक फूड एंटर करता है इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, व्हेन काइमिक फूड एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन्स, देखो लेकिन इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, वहां पर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, और इंटेस्टाइन्स में जब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वहां पर एल्कलिनिटी एनवायरमेंट डेवलप हो जाता है, और ये काइमिक फूड अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज चाइल, ठीक है, चाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ही काइमिक फूड एंटर करता है इनटू द इंटेस्टाइन्स, हार्मोन्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, वहां पर कॉलिसिस्टोकाइन सेक्रेटिन ये रिलीज होते हैं, एंड दे विल स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक सेक्रेशन, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन। नाउ दिस इज टोटली द थ्री फेजेस, इट इज 1 hour and 4 minutes, वी हैव टू बी फास्ट, ये हो गया। नाउ देयर इज अनदर, नाउ देयर आर सम डिफेक्ट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ पैनक्रियास,
तो वन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज इज पैनक्रियाटिस, पैनक्रियाइटिस, पैनक्रियाइटिस, ठीक है। और ये पैनक्रियाइटिस इट विल आल्सो लेट कैंसर्स। ये पैनक्रियाइटिस क्या होता है? इट इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ SNI, बेसिकली SNI, SNI ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जो SNI होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो जिससे पैनक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन रुक जाती है, वो कम हो जाती है, लो हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उससे पैनक्रियाटिस, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द SNI ऑफ पैनक्रियाज होती है। अब ये पैनक्रियाटिस दो किस्म का होता है, वन इज एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक विल लेट द इट विल लेट कैंसर्स, ठीक है। एंड एक्यूट, एक्यूट ये भी एक्यूट पैनक्रियाटिस, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, जो पैनक्रियाटिक जूस से सेक्रेशन रुक जाती है, क्रॉनिक एंड क्रॉनिक विल लेट द कैंसर्स, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अपर एबडोमिनल पेन, अपर एबडोमिनल पेन होती है इसमें, इसमें इसमें फीवर आ जाता है, इसमें नौसिया हो जाता है, फीवर, नौसिया, वोमिटिंग, ठीक है, ये चीजें हो जाती है पैनक्राइटिस में। और मैंने दूसरा डिफेक्ट आपने मैंने आपको पढ़ाया स्टीटो, स्टीटो रहा, तो स्टीटो रहा दैट मीन जो फ्रॉथी फ्रॉथी स्टूल्स, फ्रॉथी स्मेलिंग स्टूल्स जो होते हैं, फ्रॉथी स्टूल्स जो होते हैं जिनमें हाई फैट कंटेंट होता है, हाई फैट कंटेंट, तो ड्यू टू ये कैसे होता है, लैक ऑफ लाइपेस। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ पेनक्रियास। आई थिंक आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आया हो।